काशीपुर में दो दिन पूर्व मुंबई से आए दो भाइयों में से एक की रिपोर्ट पॉजिटिव आने से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। आनंद फानंद में पुलिस प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की मदद से कोरोना पॉजिटिव युवक को हल्द्वानी इलाज के लिए भेज दिया गया, तो वहीं दूसरे भाई को काशीपुर में बाजपुर रोड स्थित IIM के कैंपस में बने क्वारंटाइन सेंटर में रेफर कर दिया गया। आपको बता दें कि राज्य में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। इसी क्रम में आज काशीपुर में भी एक युवक में कोरोना पॉजिटिव की पुष्टि हो गई। कोरोना के नोडल अधिकारी डॉक्टर अमरजीत सिंह ने बताया कि काशीपुर के ग्राम गुलड़िया निवासी दो भाई मुंबई में सैलून का काम करते हैं। दोनों भाई दो दिन पूर्व दूध की गाड़ी से काशीपुर आए थे कि तभी ने मुरादाबाद रोड स्थित सूर्य पुलिस चौकी स्थित यूपी उत्तराखंड के बॉर्डर पर रोक दिया गया तथा इन दोनों भाइयों को काशीपुर के राजकीय चिकित्सालय में लाया गया, जहां इनकी सैंपलिंग ली गई। सैंपलिंग में एक युवक की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आने से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया, जिसके बाद उसे आनंद फानंद में इलाज के लिए हल्द्वानी रेफर कर दिया गया। अमरजीत सिंह के मुताबिक मुंबई से 21 लोग दूध की गाड़ी करके आए थे, जिसमें से बाकी लोग मेरठ मुरादाबाद आदि क्षेत्रों में उतर गए थे। ये दोनों भाई सबसे अंतिम में काशीपुर में उतरे थे। दो व्यक्ति बॉम्बे से काशीपुर पहुंचे हैं और ये बता रहे हैं कि वहाँ पे सैलून में काम करते थे और ये 18-20 लोग यहाँ पर आए थे, जो कि इनको मेरठ और मुरादाबाद उतारते हुए दूध वाली गाड़ी में लास्ट स्टेशन पर यहाँ पे छोड़ा। जैसे ये लोग बॉर्डर पर पहुँचे नवाई रेपिड रिस्पॉन्स टीम ने इनको सैम्पलिंग के लिए उसी दिन एडमिट कर दिया था आइसोलेशन वार्ड में, और इसका जो साथ में छोटा भाई था वो निगेटिव आया है, तो वो क्वारंटीन सेंटर में है और इसको अब हमने रेफर कर दिया है फॉर ट्रीटमेंट सर सुशीला तिवारी हॉस्पिटल।